आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास ये हड़म्बा मशीन, इसको हम लोग ग्रीस करने वाले हैं। तो सारे पॉइंट में बताऊंगा कहाँ कहाँ पे ग्रीस करना है, कौन कौन सी जगह पे ग्रीस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले आगे से शुरू करेंगे और पीछे तक जाएंगे। चलिए, पहला जो ग्रीस निप्पल है, देखिए यहाँ पर मिलेगा, ये वाला इसके नीचे है, जहाँ पर हम साफ्टिंग बिठाते हैं इसके नीचे है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो भी तार वगैरह है उससे इसमें डाल के कुछ भी कचरा वगैरह बाहर निकाल देंगे। और जो पंप में है ये वाली निप्पल, देखिए ये वाली निप्पल लगाएंगे तो इसको यहाँ पे फिट करेंगे और पंप लगाना चालू करेंगे। देखिए दोस्तों, ये ग्रीस बाहर आने लग गया है इस तरह से। तो ये हो गया है फुल। इसके बाद हम पीछे वाला करेंगे, इसके जस्ट पीछे वाला देखिए, इसमें भी यहीं पर मिलेगी आपको, ये पीछे कोने पे है। तो इसको भी हम लोग लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये ग्रीस बाहर आने लग गया इसका इस तरीके से। तो ये भी पूरा हो गया है। अभी हम लोग इसको ऊपर वाले साइड में करेंगे, इस तरह से इसको हम साफ करेंगे। जो भी कचरा मिट्टी वगैरह जो रहती है, देखिए इस तरह से बाहर आ जाती है। तो इसको साफ करके इसमें यहाँ पे लगाएंगे। देखिए इस तरह से ग्रीस बाहर आ गया है, ये इस साइड भी आ गया है। तो अभी हम लोग इसमें यहाँ पे करेंगे, इसमें करेंगे यहाँ पे एक पॉइंट, ये भी है देख सकते हैं। तो इसको भी करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, ये जो ग्रीस है अपने आप बाहर आने लग गया है, क्योंकि इसके एल्सिल्स वगैरह जो ठीक है तो इसलिए इधर से बाहर से नहीं निकलेगा जी। तो ये यहाँ पे बाहर आने लग गया है। तो इसको वापस से जो इसका नट है वो लगा देंगे, बोल्ट है इसका, उसको लगा देंगे ताकि कचरा मिट्टी वापस अंदर ना जाए। तो अभी हम लोग इसके ऊपर वाले साइड में करेंगे यहाँ पे, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे भी एक बोल्ट कसा हुआ है, इसको भी यहाँ से खोलेंगे हम लोग। ये इसलिए कसा रहता है ताकि मिट्टी वगैरह अंदर नहीं जाए, देख सकते ये जो रहती है। चलिए इसमें ग्रीस कर लेते हैं। ये ग्रीस हो गया है, इसको वापस के बोल्ट को लगा देंगे ताकि इसमें धूल मिट्टी ना घुसे। ये देखिए दोस्तों, ये जो है बेल्ट टाइट करने की पुली है, इसके अंदर ये सेंटर में होल है, यहाँ पे देख सकते हैं बीच वाले पट्टे में होल है। तो इसको भी करेंगे हम लोग। इसमें ज़्यादा ग्रीस नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा ग्रीस करेंगे ना तो ये उड़ेगा वापस बाहर की साइड। जैसे मशीन चलेगी ना तो जो मजदूर वगैरह काम करेंगे उनकी तरफ उड़ेगा, तो ये कपड़े गंदे करेगा। तो इसमें ज़्यादा ग्रीस नहीं करेंगे, इसमें मीडियम ही ग्रीस करेंगे, इसमें बाहर नहीं करना है ग्रीस को। ना बहुत काफ़ी इसके लिए, तो इसमें ज़्यादा ग्रीस ना करें, ध्यान रखें। चलने वाला इसमें ज़्यादा मिट्टी जमी हुई रहती है, तो इसको पहले साफ़ करेंगे। अगर इसको आगे अपन पंप लगा देंगे तो बेयरिंग ख़राब होने की समस्या है, क्योंकि मिट्टी जमी हुई रहती है। तो इसको भी देखिए दोस्तों, इस तरह से ग्रीस बाहर आने लग जाएगा। तो ये इसका तो हो गया है, अभी ये यहाँ पे भी है तो इसको भी करेंगे हम लोग। इसको पहले साफ करेंगे। ये जो है ग्रीस, इसमें ग्रीस करने के लिए, जो बेयरिंग में ग्रीस करने के लिए निप्पल दूसरी लगेगी, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा कि इसमें निप्पल कौन सी लगेगी। चलिए पहले इनको, ये जो निप्पल खड़ी वाली निप्पल है तो इसको कर लेते हैं। जो एक यू एल टाइप में निप्पल आती है तो उससे होगा इसमें, वो भी दिखाऊंगा मैं। चलिए पहले इसके दूसरी साइड भी करेंगे, ये जो यहाँ पे है इसके दूसरी वाली साइड भी करेंगे। इसमें चालने में चार है, चार नीचे की साइड है और चार ऊपर की साइड, तो चारों में इधर भी एल टाइप वाली लगेगी, तो इसलिए पहले इनको कर लेते हैं। तो ये जो ग्रीस निप्पल का पॉइंट है इसको निकालेंगे पहले और फिर साफ करेंगे। देखिए इस तरह से ग्रीस इसमें भी बाहर आ गया है। अभी ये जो है एक पॉइंट और है इसके बाद, जो चालने वाला इसमें यहाँ पे, तो इसमें भी करेंगे। पहले इसको साफ़ कर लेते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई रहती है।
इसको भी साफ कर लेंगे। ये देखिए ग्रीस बाहर आ गया है, तो अभी पीछे चलेंगे, इसके मशीन के पीछे की साइड चलेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो दो निप्पल है ये इनको भी करेंगे, इसके लिए भी अलग निप्पल चाहिए, इसके लिए भी अलग निप्पल चाहिए। तो अभी एक ये वाला है, इसको भी करेंगे, तो पहले इसको भी साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी धूल मिट्टी घुसी हुई है, तो पहले इसको भी साफ़ कर लेते हैं हम लोग। ये ऊपर हापर वाला है जो पुले खींचता है अंदर की साइड, इसमें भी हो गया ग्रीस। देखिए दोस्तों, एक ये वाला भी है, इसको भी करेंगे, ये भी हापर का ही ऊपर से। देखिए इस तरह से बाहर आएगा ग्रीस। अभी जो है ये 1 2 3 4 5 6 ये सभी में ग्रीस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे होल है, हमने इसको सभी को साफ कर लिया है, तो इसमें ग्रीस करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ से लगाएंगे। ये इस तरह हो गया है, ज़्यादा ग्रीस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें उस साइड बाहर नहीं निकलता है ग्रीस, ग्रीस वापस ही आता है। देखिए दोस्तों, इसमें हो गया एक, ये यहाँ पे भी है, तो इसको भी करेंगे। ये हो गया है, तो अभी एक और चीज़ इधर दिखाता हूँ, जो ये बेल्ट पट्टा है इसके अंदर भी मिलेगा आपको। तो ये जो देखिए यहाँ पे बेल्ट बट्टे यहाँ पे एक, ये भी इसको भी पहले हम साफ करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह इसमें भी ग्रीस हो जाएगा। अब इस साइड भी है ये, यहाँ पे देखिए इस तरह से नीचे है, तो इसको करेंगे। अगर आगे पीछे होता है तो आप लोग घुमा के भी इसको कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीस लगता है क्योंकि देखिए इस तरह हो गया ग्रीस। अभी जो इधर का डिपार्टमेंट पूरा हो गया है, तो अभी हम लोग इधर करेंगे जो बचा हुआ है। तो दिखाता हूँ आपको जो बची हुई चीज़ है, इधर से दो पीछे चालने वाले में कर देंगे। ये हो गया है, देखिए अभी उसके उस साइड भी सेम टू सेम चालने के, तो चलिए उसको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे है, ये हो गया है। तो अभी जो है पूरा इधर का भी हो गया, उधर का भी हो गया, अभी कुछ जगह और बची है, तो मैं दिखाता हूँ चलिए आपको। अभी सापटे वगैरह जो
तो अभी सापट वगैरह है इनके पास में भी है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ ये जो पीछे जो ये जो साफ्टिंग वगैरह चल रही है इनके नीचे भी है, तो मैं दिखाता हूँ चलिए। देखिए दोस्तों ये 1, 2, 3, 4 और 5 और एक नीचे 6, ये 6 ही जगह पे यहाँ पे भी ग्रीस होगा। तो चलिए इधर से शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए ये नीचे नीचे उधर 2 है, तो यहाँ से लगाएंगे पहले। में भी हो गया है, इसमें भी हो गया है। हो गया इसमें, देखिए दोस्तों ये ग्रीस बाहर आ गया है, अभी के नीचे वाला करेंगे हम लोग। इसमें भी एल शेप लगेगी क्योंकि यहाँ पे ग्रीस पिन लग नहीं रही है, तो इसको कर देते हैं पहले। देखिए ये भी हो गया है। देखिए ये जो है इसमें भी हम सापड़ों में भी करेंगे, तो इसके लिए भी एल शेप चाहिए क्योंकि ये वाली घुसेगी नहीं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ एल शेप निप्पल लगा के कैसे होती है सब। ये देखिए दोस्तों ये है जो एल शेप वाली आती है ये निप्पल, तो इसको हम लोग लगाएंगे। तो पहले जो देखिए ये साफ यहाँ पे इसमें लगाएंगे पहले हम लोग। इसमें बाहर ग्रीस निकल गया देखिए यहाँ पे, तो इसी तरह सभी सापटों में लगाएंगे हम लोग। किसी में यहाँ कोने पे भी है, किसी में इस साइड भी है, तो इसमें सब देख देख के लगाना पड़ेगी। देखिए दोस्तों जो सापट इस तरह से उसमें कर लेंगे, और नहीं तो फिर राउंड घुमाएंगे चक्रे का जो है आगे लगा हुआ है मेन व्हील उसको घुमाएंगे, उसके बाद जो होल है उसको सापट में निकाल के सारी सापटों में भी कर लेंगे। देखिए दोस्तों एक ये वाला है पीछे वाला जो मेन शाफ्ट का है, इसको यहाँ पे करेंगे। के लिए फिर निप्पल चेंज करना पड़ेगी। तो ये जो इसमें करेंगे एल शेप जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो तो लग नहीं रही थी, ये भी हो गया है। अब उस साइड भी करेंगे। ये देखिए ये साइड भी हो गया है, और एक पीछे और रह गया है। ये देखिए ये जो ये वाली निप्पल है, ये वाली निप्पल है जो ये वाली लगाएंगे, ये वाली जो पिन पे लगती है ऊपर, तो इसको यहाँ पे ये लॉक होती है इसके अंदर बैठ के, तो इस तरह से लगाएंगे। देखिए ये ग्रीस बाहर आ गया है, अभी हम दूसरी साइड वाले करेंगे जो इस साइड देखिए ये वाली है, इसमें भी करेंगे। इसको इस तरह दबाएंगे प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाती है।
हो गया इसमें भी। एक और पीछे बचा हुआ है, देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा ग्रीस इसमें बाहर निकलेगा, तो इसलिए इसको हम कपड़े की गेप देके लगाएंगे तो इसमें ग्रीस बाहर नहीं निकलता है। ये पूरी तरह से सभी एक एक पॉइंट मैंने सारे मशीन को दिखा दिए, एक एक पॉइंट के कहाँ पे ग्रीस होता है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इसमें छूटा हुआ है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।